In this problem, we are given the variation of resistance of a wire with temperature. बताया गया है कि 0 डिग्री पे 100 ओम है, 100 डिग्री पे 120 ओम है. पूछा गया है किस टेम्परेचर पे वायर का रेजिस्टेंस 112 ओम होगा. तो हमारे पास अगर मैं इस टेम्परेचर को T नॉट और इस रेजिस्टेंस को R नॉट मान लूँ, तो हमारे पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. यहाँ अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस. तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. मतलब अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 120 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. कितना हुआ? 0 से 100 डिग्री मतलब इंटू 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इम्प्लाइज 20 इज इक्वल टू 100 अल्फा 100 डिग्री सेल्सियस. ये आपका इक्वेशन है पहला. अगर हम टेम्परेचर T के लिए सेम इक्वेशन यूज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमें मिलेगा 112 इज इक्वल टू आर नॉट मतलब 100 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. कितना है? T माइनस जीरो. दिस इंप्लाइज 112 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 अल्फा T, विच इंप्लाइज 12 इज इक्वल टू 100 अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं 20 बाय 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या आ जाएगा? 20 बाय 100 डिग्री सेल्सियस इंटू T, विच इंप्लाइज T इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस. ये आपका आंसर है. आपके थर्मोमीटर में जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर कितना होगा? अगर रेजिस्टेंस 112 ओम है तो टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस.